हाय एवरीवन दिस अनम वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन सो आज का हमारा सेवेंथ लेक्चर ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी फॉर योर अपकमिंग सिक्किम यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एच एंट्रेंस एग्जामिनेशन जैसे कि आपको बताया सिक्किम यूनिवर्सिटी का जो पी एच डी एंट्रेंस एक्जामिनेशन थर्टी एंड थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त को कंडक्ट करवाया जा रहा है जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए प्रिपेयर करवाते हैं और रिसर्च मेथोडोलॉजी पर मैंने लेक्चर सीरीज भी स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च आज के सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सो एग्जाम में इन दोनों टॉपिक से एग्जाम में आपको टू टू थ्री क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है तो आपको अच्छे तरीके से सेशन को देख लेना है सारे एमसी आपको अच्छी तरीके से सोल्व कर लेना है उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी प्रेपरेशन के लिए रिसर्च मेथोलॉजी पर हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं जो कि थ्योरी और एमसीक्यू दोनों वीडियो लेक्चर्स है थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करवाते हैं से हम आपको ट्रिक्स बताते हैं किस तरीके से आपको सारे ट्रिक्स को फॉलो करने कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं तो ये सारी चीजें वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको पता चले कि हमने बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है अगर आप नोट्स को रीड करते हो तो आपको वापस समझ में आते हैं उसी तरीके से अगर आप इंटरनेट से स्टडी मटेरियल फॉलो करते हो तो आप देखोगे इंटरनेट पर बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज चूज करी जाती है जिससे कि आपको रीड करने में आपको कॉन्सेप्ट को याद रखने में प्रॉब्लम होती है और नोट्स में ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे तो आपको नोट्स अच्छे तरीके से देख लेना है देन मॉक टेस्ट जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होती है एंड 1500 प्लस

हंड्रेड परसेंट गारेटी देते हैं हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो जल्द से जल्द कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है आपको व्हाट्सएप के थ्रू इस पर हम कांटेक्ट करना है और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं सो तो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखा है सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद विद्यो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बता दिया कि हमारे कोर्स रिलेटेड so, यहाँ पर हम शॉर्ट में मैं आपको डिटेल में बता दू जैसे कि मैंने आपको बता दिया रिसर्च कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं जैसे वीडियो लेक्चर्स है थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते हैं थ्योरी से आपके कॉन्सेप्ट को हम बिल्ड करवाते हैं और उसी के साथ साथ एमसीक्यूज एमसीक्यूज से हम आपको सारे ट्रिक्स बताते हैं कि आपको किस तरीके से ट्रिक्स यूज कर करके एमसीक्यूज को सॉल्व करना है नोट्स काफी सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है नोट्स में हमने ऐसे पॉइंट्स भी कवर कर रखे हैं जो कि आपके इंटरव्यू में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे के साथ साथ मॉकटे मॉकटेस की आपको पता लगता है कि कि कितनी हुई है, कितनी हुई और और आपकी पाकी है। And 1500 plus MCQ's revision PDF, जिसमें इस में में हमने 1500 से भी ज़्यादा कर रखे जो Central government University में पूछे ही गए थे तो आपको ज्यादा से ज्यादा हमारे इस content से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि मैंने आपको बता दिया हंड्रेड परसेंट गारंटी के साथ हम आपको करते हैं, तो आपको, आपको सारी आपकी पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट

कोई भी हमारे पास अगर थियोरी होती है उसको हम अप्लाई कर, कर कि किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और यू कैन और से कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अप्लाइड रिसर्च में अपना ही कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो

क्योंकि रिसर्चर को अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करना होता है उनको जानना होता है कोई फेनोमिना के बारे में उनको अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना होता है इसलिए रिसर्चर फंडामेंटल रिसर्च परफॉर्म करते हैं फंडामेंटल रिसर्च में रिसर्चर एज इट इज कोई फेनोमिना को और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उसको एज इट इज बताते नहीं है लेट्स वाई यहाँ पर आपको ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन आप बी डिस्क्रिप्टिव आप रिसर्च तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा Then, आप आप

अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा जैसे मान लो मुझे इंडियन लोगों के फेशियल फीचर्स जानने हैं फेशियल फीचर्स कैसे जानेंगे रिसर्चर ये देखेंगे कि उनकी आइस कैसी होती है उनके आइस का कलर कैसा होता है उनके हेयर कैसे होते हैं जनरली उनके हेयर के कलर्स कैसे होते हैं और उनका फेस का टेक्सचर कैसा होगा उनके फेस का शेप कैसा होगा सो so ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन रिसर्च इंडियन लोगों के देखेंगे और जो डेटा मिलेगा उससे डेटा को एज इट इज डिस्क्राइब करेंगे उसमें रिसर्चर कोई चेंजेस नहीं कर सकते सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आपकी क्या होती है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और उस इन्फॉर्मेशन को आपको एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है आप वहां पर कोई चेंजेस और कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हैज़ फॉलोइंग एक्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है सो so, हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए इट इज स्ट्रक्चर्ड तो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो आपकी वो होती है स्ट्रक्चर्ड का क्या मतलब है? कि आप पहले से ही कर लेते हो कि हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड अब जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एम ही होता है कि कोई फेनोमिना है कोई या फिर कोई टॉपिक है उसको आपको एज इट इज डिस्क्राइब करना होता है अब कैसे मान लीजिए uh, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे तीन रिसर्च की गई है तो so, आपने क्या किया उन तीन रिसर्च को एनालाइज किया और उन तीन रिसर्च को एनालाइज कर कर आपने उन रिसर्च रिसर्च को और वो का जो भी टॉपिक था उसको आपने एज इट इज डिस्क्राइब कर दिया तो so, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो आप क्या कर रहे हो बस उस तीन रिसर्च को आप पढ़ोगे देखोगे ऑब्जर्व करोगे एनालाइज करोगे और उसको एज इट इज फिर से डिस्क्राइब कर दोगे जो इन्फॉर्मेशन थी उसको एज इट इज आपको बताना है So, उसको हम कहते हैं वो हो जाएगी आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होती है आपकी वो स्ट्रक्चर्ड होती है क्योंकि आपको पहले से ही आप प्लान कर लेते हो देन पर आपको ऑप्शन बी गि है इट इज क्वानिटेटिव इन नेचर तो पर ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा सो ये कॉमन सी बात है कि अगर आपकी जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो स्ट्रक्चर्ड है सो so वैसे ही जैसे मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो भी आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है इसलिए ये दोनों में लिंक है तो so, आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है ए, आपको किसी एक ऑप्शन के बारे में पता होता है तो आप उसको मैनिपुलेट करके उसको कुछ अपना दिमाग लगाकर आप दूसरे ऑप्शन को भी करेक्ट कर सकते हो so, तो उसी तरीके से आपका जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है वो क्वांटिटेटिव नेचर का होता है क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है आपकी वो भी स्ट्रक्चर्ड होती है अब डिस्क्रिप्टिव uh, रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव नेचर की कैसे होंगी हम मान लीजिए कि आपको इंडिया uh, की पॉपुलेशन देखना है इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी 2020 में लो इंडिया की पॉपुलेशन 2020 में 100 करोड़ थी so, आपने क्या किया आपको जो यहाँ पर डेटा मिल रहा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और इंडिया की पॉपुलेशन 2020 में 100 करोड़ थी इसीलिए आपने एज इट इज लिखा ऐसा नहीं कि इंडिया की पॉपुलेशन 2020 में 90 करोड़ थी और आपने 100 करोड़ लिख लिया

डिस्कवर्स आइडियाज एंड थॉट्स ये आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी बल्कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपको आइडियाज और थॉट्स को डिस्कवर नहीं करते हो आप कोई न्यू चीज डिस्कवर नहीं करते हो जो भी चीज आपके पास प्रेजेंट रहती है उसको एज इट इज आपको डिस्क्राइब करना होता है तो ये जो आपका ऑप्शन सी में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आप कोई आइडियाज और थॉट्स को डिस्कवर करते हो ये तो आप फंडामेंटल रिसर्च में करते हो ना कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी डिस्कवर्स आइडियाज एंड थॉट्स Next, dash research is responsible for डैश रिसर्च इज of फॉर फाइंडिंग ऑफ phenomena. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी रिसर्च होती है जो वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करती है So वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं पहले हम ऑप्शन सी देखेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है जिसमें रिसर्चर किसी पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं और ये देखते हैं उसका कुछ एप्लीकेशन है या नहीं प्रेजेंट में और उसको प्रेजेंट में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जो पास्ट इवेंट्स रहता है उसी को बस स्टडी करते हैं इसमें वाइट टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर नहीं करते रिसर्चर दैट्स वाई यहाँ आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन ए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कौन सी रिसर्च होती है जिसमें रिसर्चर एज इट इज किसी फेनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं पहले से ही रिसर्चर के पास इंफॉर्मेशन uh, प्रेजेंट रहती है बस उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर एज इट इज इसको डिस्क्राइब कर देते हैं अब रिमेम्बर हमको ये देखना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च research में रिसर्चर वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं या नहीं सो रिमेम्बर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर व्हाट, व्हेन, हाउ और वेर ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं जैसे बस समझ लो रिसर्चर का ऐसा ऐसा क्वेश्चन है वर्ड से ऐसा हो सकता है कि वॉट कॉज इज देंसर वेन वेन शुड आई स्पीक हाउ हाउ कैन आई गेट पी एच डी इन इग्नो यूनिवर्सिटी सो ये सारे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर इन सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को आंसर करते हैं और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर नहीं करते ये आपको याद रखना है बल्कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में रिसर्चर वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन को आंसर करते हैं अब explanatory research क्या होती है explanatory research पहले से ही explanatory research में information रहती है रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन को एज इट इज एक्सप्लेन करते हैं और वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं अब जैसे रिसर्चर को यहाँ पर देखना है वाई ह्यूमन वाई ह्यूमन बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू लिव वाई प्लांट नीड्स वॉटर टू ग्रो रिसर्च एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर करते हैं आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च नेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है So, जैसे कि हम अभी तक देखते आए हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रिसर्च होती है, है जिसमें रिस uh, के पास ऑलरेडीडी को, को अवेलेबल होता है अब मान लो एक टॉपिक है और एक फेनोमेना है जैसे यहाँ पर टॉपिक है कैंसर डिसीज ओके मान लो पहले छह रिसर्च हो गई होंगी छह रिसर्चर ने कैंसर डिसीज पर रिसर्च किया है और उन छह रिसर्च को रिसर्चर क्या करेंगे एनालाइज करेंगे उन छह रिसर्च को और उस टॉपिक को डिस्क्राइब कर देंगे रिसर्चर तो so यहाँ पर रिसर्चर ने क्या किया पहले उस टॉपिक को एनालाइज किया जिसमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी इस पर छह रिसर्च पहले हो गई थी इस छह रिसर्च को रिसर्चर ने एनालाइज किया अंडरस्टैंड किया और उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर दिया सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कह सकते हो आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन रहती है पास्ट के पास्ट इंफॉर्मेशन का यूज कर कर आप उस पर्टिकुलर uh, फेनोमेना को और इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हो तो so, हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं हम एक्सपोज फैक्टर एक्सपोज फैक्टर वो रिसर्च होती है जो आप पहले ही आपके पास इंफॉर्मेशन uh, प्रेजेंट होती है आप कोई हैपन uh, कुछ इंसिडेंट uh, होने के बाद आप उस पर रिसर्च करते हो सो एक्सपोज फैक्टर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिव क्या होती है जैसे आपने सुना होगा रेट्रो फिल्म जो पुरानी फिल्म होती है जैसे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम भी क्या करते हैं पुरानी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं कुछ ओल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास रहती है उसको एनालाइज करते हैं रिसर्चर और उस टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं सो so, यहाँ पर रेट्रोस्पेक्टिव ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी फ्लेक्सिबल तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फ्लेक्सिबल नहीं होती है आपको याद रखना है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं आपको रूल फॉलो करना होता है आप किसी भी तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव uh, रिसर्च में इंफॉर्मेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको वही एक रूल फॉलो करना होता है जैसे आपने यहाँ पर आपका जो टॉपिक था इस पर इस टॉपिक पर जो भी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट थी जैसे सिक्स रिसर्च में जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको बस उसी को देखना है और उसको देखते हुए उस डेटा को ऑब्जर्व करते हुए एनालाइज करते हुए उसको डिस्क्राइब करना होता है

स्टेटमेंट होता है, जो research अपने research के में देते है और रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं सो फर्स्ट स्टेप में रिसर्चर प्रॉब्लम को आईडेंटिफाई करेंगे देन सेकेंड में हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे हाइपोथिस लेडाउन करेंगे सो so यहाँ पर एफ आपका सेकेंड आ जाएगा Second step हो जाएगी, then third step में आप आप क्या करोगे, ले कर लिया, अब उसके बाद डेटा कलेक्ट करने के बाद आगे प्रोसेस करोगे डेटा को प्रोसेस करेंगे कुछ मेथड्स के थ्रू डेटा कलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपका ए जो ऑप्शन है ये थर्ड पर आ जाएगा देन बी ए के बाद आपका बी आ जाएगा क्योंकि अगर आपने मेथड कोई मेथड अप्लाई कर कर किसी मेथड से डाटा को कलेक्ट कर लिया डाटा को कलेक्ट करने के बाद आप इंटरप्रिटेशन करोगे इंटरप्रिटेशन आप उसको एनालाइज करोगे उसको ऑब्जर्व करोगे डाटा को एंड देन आप कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करोगे सो बी आपका फोर्थ नंबर पर होगा फोर्थ स्टेप हो जाएगा आपका एंड देन उसके बाद अपने रिजल्ट्स फाइंड आउट कर लिया देन उसके बाद आप कंक्लूज निकालोगे कंक्लूजन ड्रॉ करोगे आपका फिफ्थ नंबर पर आ जाएगा एंड लास्ट आप रिपोर्ट लिखोगे so, so, आप इस वे आप करते हो. So, ये सीक्वेंस आपको ऑप्शन डी में गिवेन है सी एफ ए बी डी एंड लास्ट इज ए नेक्स्ट साइंस टीचर एक्सप्लेनिंग टू हे स्टूडेंट्स वाई प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो दिस एग्जाम्पल विल फॉलो अंडर विच टाइप ऑफ रिसर्च इस क्वेश्चन में आपको एक एग्जाम्पल गिवेन है और हमें लाई करेगी अब एग्जाम्पल में आपको ये गिवेन है, है वो अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रही है कि वाई प्लांट नीड्स टू ग्रो प्लांट को सनलाइट की जरूरत क्यों होती है ग्रो होने के लिए तो so, ये एग्जाम्पल किस टाइप ऑफ रिसर्च का एग्जाम्पल होगा हमें ये फाइंड आउट करना है तो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड रिसर्च में तो रिसर्चर किसी स्पेसिफिक और किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना कि वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं सो so, यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन गिवन है वाई प्लांट नीड्स सनलाइट टू ग्रो सो ये क्वेश्चन वाई से स्टार्ट हो रहा है सो अप्लाइड रिसर्च में रिसर्चर किसी वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर नहीं करते ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन बी हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल रिसर्च में में रिसर्चर बस पास्ट इवेंट्स के बारे स्टडी करते हैं हैं और ये देखते कि उसका कुछ एप्लीकेशन है या नहीं प्रेजेंट में सो हिस्टोरिकल रिसर्च में रिसर्चर कोई वाई टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर नहीं करते सो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन सी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में रिसर्चर के पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल होता है उस डेटा को रिसर्चर एक्सप्लेन करते हैं सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में रिमेम्बर रिसर्चर वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस का आंसर करते हैं दैट्स वाई अपर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च दिस इज दी एग्जांपल ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च नेक्स्ट Which one of the following example is not related with descriptive research? इस क्वेश्चन में हमें कुछ एग्जाम्पल्स गिवेन है और हमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं होगा अब वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए वॉट इज द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन स्कूल एजुकेशन सो इस ऑप्शन में ये बता रहा है कि लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है एजुकेशन पर सो वॉट वॉट टाइप ऑफ क्वेश्चन का हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आंसर करते हैं सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च देन ऑप्शन बी द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट स्पेंड ऑन

प्रिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं है हमें ये फाइंड आउट करना है बट ऑप्शन ए बी और सी में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल हमें गिवन है अपर आपका ऑप्शन ए बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन डी हैंड वॉशिंग प्रिवेंट इन्फेक्शन सो यहाँ पर वाई वाई वर्ड आ रहा है सो रिमेम्बर वाई जब भी वर्ड आता है वाई क्वेश्चन का आंसर रिसर्चर एक्सप्लेटरी रिसर्च में करते हैं नॉट इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च दैट्स डाय पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज हमें क्वेश्चन में यही फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन uh, में हमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल नहीं गिवेन है सो so, यहाँ पर आपको ऑप्शन में जो एग्जाम्पल गिवन है ये एक्सप्लोनेटरी रिसर्च का एग्जाम्पल गिवन है नॉट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट Which research not allows manipulation of variables? उट करना हमें ये फाइंड आउट करना है सो वन बाई वन हम ऑप्शन देखते हैं पहले हम ऑप्शन बी देखेंगे अप्लाइड रिसर्च अप्लाइड रिसर्च क्या होती है जिसमें आप कोई स्पेसिफिक और कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते हो अप्लाइड so, रिसर्च में आप क्या करते हो आपने जो भी फंडामेंटल रिसर्च में थ्योरी न्यू थ्योरी डेवलप की फंडामेंटल रिसर्च so, में वेरिएबल्स को को so, का कोई रोल ही नहीं होता है आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन यहां पर आपको ऑप्शन डी गिवन है एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है जिसमें रिसर्च ज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिट्वीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है और रिमेंबर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिकुलेट करते है और चेंज करते हैं क्योंकि रिसर्चर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट होगा चेंज करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल पर यह फाइंड आउट करना होता है एक्सपेरिमेंटल so, रिसर्च research में रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं पर आपको ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा देन ऑप्शन है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च तो यहाँ पर एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में भी रिसर्चर कॉज एंड

इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है फाइंड आउट करना है कि ये एग्जाम्पल किस रिसर्च में फॉल करेगी अब एग्जाम्पल में आपको गिवन है कि एक इन्वेस्टर है उसको जो मुंबई हाउसिंग मार्केट जो कि हमेशा ये मार्केट बदलते रहता है उसको इन्वेस्ट करना है मार्केट में तो इस मार्केट को कैसे समझेगा तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है उसको ये ये क्वेश्चन समझना है अब क्वेश्चन क्या है कि market? Market की वॉट द करंट स्टेट ऑफ द मार्केट मार्केट उस के करंट करंट स्टेटस क्या है देन हाउ इट चेंजेस वो कैसे बदलते रहता है एंड वेन इट चेंजेस वो कब बदलते रहता है सो so, इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर इन्वेस्टर को अंडरस्टैंड करना है सो so वो कौन सा रिसर्च का यूज करेगा तो so, यहाँ पर आप देख रहे हो आपको कुछ कुछ वर्ड आपको जो गिवन है वो आपके लिए की वर्ड है जैसे वॉट हाउ एंड वेन सो वॉट हाउ एंड वेन ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन का आंसर आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में करते हैं सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होते हैं जिसमें वॉट हाउ वेन वेर ये सारे टाइप का को आंसर करते अपर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी और यहाँ पर जो इन्वेस्टर है जो उसको इन्वेस्ट करना है मुंबई हाउसिंग मार्केट्स में तो वो इन सारे प्रॉब्लम्स को इन सारे क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करेगा वेर एज एक्सप्लेनेटरी रिसर्च तो वाई टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करती है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा

किसी हाउ वेन वॉट वेर ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन को आंसर नहीं करते so, पर आपको ऑप्शन ए भी करेक्ट हो जाएगा सो so, यहाँ पर जो इन्वेस्ट invest, इन्वेस्टर है उसको इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना है मुंबई हाउसिंग मार्केट में सो so, उसको कुछ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है सो so, इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वेस्टर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करेगा दैट पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नेक्स्ट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज ऑल्सो नोन एज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को और हम कौन से रिसर्च भी कहते हैं अब एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में क्योंकि हम देखते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या और है बिटवीन बिट्वीन वेरिएबल उसी तरीके से कॉजल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये दोनों भी रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन ही शिफ्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हो चेंज कर सकते हो बट एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में आप किसी भी वेरिएबल को ना ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट कर सकते हो ना ही चेंज कर सकते हो दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा देन उसी तरीके से कॉजल रिसर्च कॉजल रिसर्च जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या कॉज एंड इफेक्ट हो रहा है सो कॉजल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ना ही मैनिपुलेट करते हो ना ही चेंज कर सकते हो और उसी तरीके से एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में भी आप कॉज एंड इफेक्ट देखते हो विदाउट चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट्स व्हाई एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज आल्सो नोन एज कॉजल रिसर्च सो आपको याद रखना है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को कॉजल रिसर्च भी कहते हैं सो यार आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए कॉजल रिसर्च। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेनेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज क्लियर टू एवरी वन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू टूमोरो